संसद और विधानमंडलों के कामकाज में सुधार को लेकर उपराष्ट्रपति ने आचार संहिता बनाने का दिया सुझाव। पुस्तक मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस के विमोचन के मौके पर राज्यों में विधान परिषद बनाने के लिए राष्ट्रीय नीति पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, अनुशासन की बात करने वाले व्यक्ति को अलोकतांत्रिक कहना बहुत आसान। भारत और साइप्रस के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। साइप्रस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में योगदान की अपील। साइप्रस की संसद को आज करेंगे संबोधित। स्कूलों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने में भारत की प्रगति तेज। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के एक नए संयुक्त अध्ययन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स 2018 ग्लोबल बेसलाइन रिपोर्ट में खुलासा। कर्नाटक के शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर। 2709 वार्ड में कांग्रेस 954 और बीजेपी 905 सीटों पर जीती। जेडीएस के खाते में 364 सीटें। और देश भर में पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में खास पूजा अर्चना करने उमड़ा भक्तों का सैलाब। मथुरा वृंदावन में कृष्ण भक्ति में डूबे लोग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं।